नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, आईटीबीपी की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाए, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कांस्टेबल के पदों के लिए, इनकी अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल के 9,135 पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कांस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी रहेगा। आईटीबीपी की तरफ से आपके इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 9,135 पदों पर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी यह जॉब प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड पोस्ट नेम में आपको यहां पर कांस्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिनके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी itbppolice.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर वैकेंसीज की डिटेल के बारे में बात करें तो कांस्टेबल जीडी के लिए आपको यहाँ पर 6,189 पद मेल कैंडिडेट के लिए देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,946 पदों पर वैकेंसीज रखी जाएंगे। टोटल 9,135 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर 23 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल के एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट भी यहां पर मिलने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुका है वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। सैलरी के बारे में बात करें तो लेवल 3 से आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपका 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक आपका बेसिक पे मैट्रिक्स यहां पर बनने वाला है। इसी के साथ में 7 CPC आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 100 रुपए जमा करवानी होगी, साथ ही में एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनल आपको यहां पर मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि किस तरीके से आप आईटीबीपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसे 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं 11 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, जिसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और 3.5 फीट की भी आपके यहाँ पर हाई जंप होने वाली है, जिसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं।
वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें आपको 4 मिनट और 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट की हाई जंप यहाँ पर रहने वाली है, और दोनों में आपको जो है 3-3 चांस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है, ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही में चेस्ट यहाँ पर 77 से 82 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट रखी गई है 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर 76 से 81 सेंटीमीटर लिया जाएगा। एंड रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लें तो देखिए दोस्तों, 100 नंबर का आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा एंड 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। जनरल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, साथ में जनरल इंग्लिश से आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहने वाले हैं और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। इसी के साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर रखी गई है, सितंबर 2023 रखी गई है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट अगर रखी जाएगी तो अक्टूबर 2023 तक आपकी जो है लास्ट डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, अगर सितंबर 2023 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। एंड एग्जाम डेट यहाँ पर आपका जो है दिसंबर 2023 में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सो एग्जाम डेट से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।